Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. हेलो बच्चों, क्लास थर्ड आपके लिए आज टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मीनिंग आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो बच्चों, आज आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने। चलिए अब मैं गद्यांश को रीड कर देती हूँ। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से जानवरों की दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए रेडी स्टेडी गो सुनते ही 12 सिंगा और चीता दौड़ पड़े। ठीक है, अब आपको ये कहानी या ये स्टोरी जो भी गद्यांश है ये छोटा सा है और छोटे से ही आपको आंसर्स देने हैं। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको कैसे आंसर देने। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, दौड़ कौन से पेड़ से शुरू हुई। तो आपने ऊपर जो गद्यांश में अभी पढ़ा था उसमें बताना कि दौड़ जो कौन से पेड़ से शुरू हुई थी, किस ओर गीदड़ के साथी खड़े थे, झंडा लिए नीम के पेड़ के पास कौन खड़ा था, झंडा हिलाते हुए खरगोश ने क्या कहा, इस गद्यांश में कितने जानवर आए हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, अब आपको गद्यांश में एक बार फिर से और पढ़ देती हूँ ताकि आप आंसर और अच्छे से समझ जाएं। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से जानवरों की दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरी छोर तक दौड़ना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो, सुनते ही 12 सिंगा और चीता दौड़ पड़े। ठीक है, अब आपको आंसर समझ में आ ही गए बच्चों, और ये आपको खुद करना है। देखते हैं कि कितना बच्चे अच्छे से करते हैं गद्यांश को। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। Thank you for watching.